देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में स्वीट्स रेसिपी बनाई है। वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाकर तैयार की है और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। फायरलेस स्वीट रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। दिखने में जितनी सुंदर लग रही है उससे कई गुना ज्यादा इसका टेस्ट खाने में अच्छा होता है। घर में बड़े बच्चों सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मैं आपको एक पीस इसका कट करके बताती हूँ। देखिए कितनी ही जूसी और बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, इसमें मैं साइड में थोड़ा सा रस और डालूंगी और इसका कट करने के बाद देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कुक विद शालिनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक स्वीट रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि फायरलेस स्वीट रेसिपी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले उसके अंदर की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने 8 से 10 बादाम लिए हैं और 2 इलायची को छिलकर डाल दिया है। साथ ही में मैंने थोड़ा 1/4 कप, 1/2 कप जितना नारियल का बुरादा लिया है, इसे ऐड कर देंगे। स्पून से थोड़ा कम मैंने वो पिस्ता लिया है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। मैंने इसमें नारियल का बुरादा यूज किया है। आप चाहे तो बादाम और नारियल के बुरादे की जगह मूंगफली का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने से पहले हम इसमें पिंच ऑफ फूड कलर डाल देंगे। आप अपनी चॉइस का फूड कलर ऐड कर सकते हैं या फिर विदाउट फूड कलर भी बना सकते हैं। मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर यूज किया है और थोड़ा सा मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी। आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालना चाहते हैं तो इस जगह पे शुगर पाउडर का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसकी स्टफिंग बनकर रेडी है। ये इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। इसमें हमने पनीर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पनीर की जगह मावे का भी यूज कर सकते हैं और नहीं मावे का यूज करना चाहते हैं तो सिंपल थोड़ा सा ठंडा दूध डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। स्टफिंग से हम छोटे छोटे नींबू के आकार के बॉल रेडी कर लेंगे। जितने बड़े साइज के बॉल आपको चाहिए उतने बड़े साइज के आप रेडी कर लें। इस तरह से देखिए हम रेडी कर लेते हैं सारे बॉल्स। स्टफिंग से 7 बॉल बनकर तैयार हुए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए मैं एक बाउल ले लेती हूँ। बाउल में मैं 1 कप मिल्क ऐड करूंगी। दूध आप भी ठंडा लीजिए। साथ ही में इसमें मैं फ्रेश मलाई, दूध वाली जो मलाई होती है, फ्रेश मलाई यूज करेंगे। फ्रिज में रखी हुई या फिर ज्यादा दिन पुरानी मलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मलाई से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा देगा मावे जैसा। साथ ही मैं स्वीटनेस के लिए मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क का यूज कर रही हूँ। आप इस जगह पे शक्कर के बुरादे का भी यूज कर सकते हैं। 2-3 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क का मैंने यूज किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मिल्क, मलाई और कंडेंस्ड मिल्क के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने 7-8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं जिनके साइड कॉर्नर को हमने कट कर दिए हैं। इस ब्रेड से हम मिठाई बनाने वाले हैं। हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स आज यही है। इसे हम इस तरह से जो हमने अभी दूध का मिक्सचर बनाया है उसमें डुबोएंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे। जिस तरह से हम ब्रेड रोल के लिए ब्रेड को प्रेस करते हैं, सेम प्रोसेस से इसे भी करना है। और बीच में जो स्टफिंग बना के रखी थी हमने, उसे रखते हुए इसे हमने राउंड शेप देना है। बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार होएगी फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे राउंड शेप देना है। सेकेंड ब्रेड को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसके जो इसमें मिल्क एब्जॉर्ब हुआ है उसे हम निकाल देंगे हाथों से प्रेस करते हुए।
सेम प्रोसेस से इसमें स्टफिंग रखेंगे और इसे भी राउंड शेप दे देंगे। ये इतनी स्टफिंग से हमारी सात मिठाई बनकर तैयार हुई है। अब हमने इस ब्रेड का हाथों से प्रेस किया था, इसलिए उसका सारा रस हमारे दूध में निकल गया है वापस, तो अभी ब्रेड मीठी नहीं रह गई है। इसलिए हमने जो ये बनाया था मिल्क वाला मिक्सचर, वो हम इसी मिठाई के ऊपर डाल देंगे। ये डालिएगा जरूर, नहीं तो मिठाई आपकी फीकी फीकी लगेगी, स्वीटनेस नहीं आएगी मिठाई में और इससे मिठाई जूसी भी रहेगी। इस पे मिल्क का मिक्सचर डाल लिया है, इतना मिक्सचर मेरे पास और बचा है, इसे मैं फ्रिज में ठंडे होने के लिए रख दूंगी। हम जब मिठाई सर्व करेंगे तो ऊपर से ये मिल्क का मिक्सचर डाल डाल के सर्व करेंगे। मिठाई बनकर तैयार है, हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम के फ्लेक्स ले लिए हैं, उसे इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे इस पे, और साथ ही में पिस्ते को भी स्प्रिंकल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे तो कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर दीजिए। वैसे भी ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और फायरलेस कुकिंग है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम थोड़ा सा चांदी के वर्क से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, गार्निशिंग करना वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप इसी तरह से इस मिठाई को सर्व करेंगे तो भी ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। ये देखिए मिठाई बनकर तैयार है, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।